इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली, जब आप हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, चिंगारी बोलते हैं सारे के सारे। आप ये भी बोल सकते हो जस्ट अ स्पार्क हर्षवर्धन के लिए, जैसे ही कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, सो हर्षवर्धन के लिए बोलेंगे चिंगारी को बोल सकते हैं स्पार्क, ठीक है, स्पार्क बोलते हैं चिंगारी को। व्हेनेवर वी हीट समथिंग, जब भी हम किसी भी चीज को हीट करते हैं, मैंने अभी बताया किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है हमेशा कार्बन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। क्यों? क्योंकि जो आग होती है, जो बर्निंग होती है, जो फायर होती है, बर्न, फायर, फ्लेम, वट एवर इट इज, ठीक है, कंबशन, वट एवर इट इज, ठीक है, कुछ भी बोलो इसे, किसकी प्रेजेंस में काम करती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या काम करता है? ये तो जल ही रही है, ये तो चल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? आग में घी डालने का काम करता है। क्या काम करता है? आग में घी डालने का काम कर रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आग में घी डालने का काम? मतलब हमेशा ऑक्सीजन फायर को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा फायर को, फायर हो गया, बर्निंग हो गया, कंबशन हो गया, उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। सपोज करो यहाँ पे एक आग लग गई है, एक रूम में आग लगी है, और इसके बाद उसको खुली विंडो भी खुली पड़ी है, कहीं पे विंडो खुली पड़ी है, दिख रहा है आपको कहीं पे ना विंडो खुली पड़ी है, ठीक है, तो क्या होगा? आग और ज्यादा फैल जाएगी, ऐसे ऐसे फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, काफी ज्यादा आग फैल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? आपको सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? ऑक्सीजन का काम क्या है? आग में घी डालने का काम करना। मेरा कहने का मतलब है ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग फायर, फ्लेम, कंबशन, बर्निंग। क्लियर हुआ? अब जब आपके घर में कभी सपोज करो किसी बिल्डिंग में आग लगती है, वहां पे ना रेड रेड कलर के ना वो रखे होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, हर जगह रखे होते हैं, देखा होगा आपने, रेड कलर के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? आग को बुझाना। आग को कौन बुझाता है भाई? ऑक्सीजन तो इसमें हो नहीं सकती, ऑक्सीजन तो आग को और फैलाएगी, तो फायर एक्सटिंग्विशर की कौन सी गैस? ऑक्सीजन तो नहीं हो सकती, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली गैस होती है। पूछ लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है, विच गैस इज इन फायर एक्सटिंग्विशर? गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर और नॉट? एनीबडी हैज डाउट? थम्स अप कर दीजिए अगर इतना क्लियर है। हाँ जी आयुष पूछिए। पूछिए बच्चे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? आग को बुझाने का काम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का काम क्या होता है? एक्सक्यूज मी, आग को सपोर्ट करने का होता है, ठीक है। अब मैं सपोज करूं देर इज अ रूम, एक रूम है, ठीक है जी, क्या दीजिए। रिपीट करना है बच्चे? अभी कर देती हूँ इससे, सब अभी इससे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब सपोज करो ये एक रूम है, बिल्कुल बंद रूम है, एक बिल्कुल खुला रूम है, ये ओपन रूम है बिल्कुल, जैसे ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है जी। अब क्या होगा, इस रूम में पार्टिकल्स पड़े, ये कुछ चीज जल रही है, सपोज करो, इससे क्लियर हो जाएगा बच्चे, एक बार ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कह रही है, ये पार्टिकल्स है, कुछ सब्सटेंसेस है, कोला जला लो, कोयला, कोल, पेट्रोल, वुड, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, क्लोथ That catches fire, ठीक है, जो भी आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कागज, न्यूज़पेपर, कुछ भी लगा लो, ये जो सर्कल है ना, कुछ भी लगा लो, जो भी आप पकड़ लो, पेट्रोल,
अल्कोहल, सैनिटाइजर, वुड, क्लोथ, ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ओके जी, रूम में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये रूम में है तो क्या होगा, सपोज करो ये जल गए और इन्होंने आग लगा दी, कमरे में ना आग लगा दी, तुमने इसे कमरे में रखा और माचिस की तीली, मतलब इग्निशन टेम्परेचर आपने दे दिया इनको, एक पार्टिकल था रूम में, सपोज करो मेरे कपड़ा पड़ा है और मैंने उसको एक इग्निशन टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर दी, अब क्या हुआ इसमें, मैंने इसे इग्निशन टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा, रूम में आग लग जाएगी, मतलब कंबशन हो जाएगी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बार बार आग लगना आग लगना, फिर फर्क क्या रह जाएगा, आप पढ़े लिखो में और थोड़े जो इलिटरेट है, सो हम उसको क्या बोलेंगे, कंबशन हो गई, कैचेस फायर, हम ऐसे बोलते हैं। चलो जी, इसने फायर को कैच कर लिया, फायर को इसने भी कैच कर लिया, फायर को तो इस वाले रूम ने, इसने ग्राउंड में भी कैच होगी फायर, और इस बंद रूम में मेरे कमरे में भी कैच फायर ने कैच कर लिया। चलो जी ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो ये कार्बन मान लिया, मैंने कोल मान लिया, इसने क्या किया, बेसिकली क्या होता है, कार्बन जब ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 लिखते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन चलते हैं, मतलब इन दोनों का रिएक्शन होता है या हीट होता है, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है, मैंने चीज बताया, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सपोज करो ये ऑक्सीजन, पता है कब, ये कार्बन डाइऑक्साइड पता है कब बनता है, जब गैस का पूरा कप, मतलब ऑक्सीजन का पूरा फुल सप्लाई है, पूरी ऑक्सीजन आ रही है, मतलब खुला रूम पड़ा है, ग्राउंड पूरा खुला पड़ा है, ओपन एरिया है, मतलब ऑक्सीजन की क्या प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगी, जब प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, ये बंद रूम है, कमरा बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो रूम में पार्टिकल्स पड़े होते हैं गैस के, बस वही है यहाँ पे, ये वही थोड़े से पड़े। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पता है कहाँ पर बनेगी, जो ओपन एरिया दिख रहा है ना, ये वाला ओपन एरिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और इसमें कौन सी गैस बनेगी, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन थोड़ा बहुत पड़ा था वो रिएक्ट हो गया, और क्या बनाया इसने, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर हुआ। जो क्लोज रूम होता है वहां पे कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो खुला कमरा होता है, ओपन रूम होता है, वहां पे कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन दिख रही है ना, हवा ही हवा दिख रही है, तो ऑक्सीजन के क्या आ जाएंगे, दो ऑक्सीजन आ गई, सपोर्ट, मतलब ऐसे बता रही हूँ, ऐसा ना समझना, रट्टा के लिए बता रही हूँ, थोड़ा लर्न करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन के कितने, दो दिख गई यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि कमरा बंद पड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक दिख गई, क्लियर हुआ। ओपन रूम में मतलब ऑक्सीजन का जब, वेन एवर द सप्लाई इज फुल, ऑक्सीजन का जब सप्लाई फुल है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म, वेन एवर देर इज शॉर्टेज और प्रेजेंस लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम है या नो सप्लाई है, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है मैम। सपोज करो ये पर्सन है, मैं हूँ, ये एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, एक बार मेरी स्क्रीन पे देखना सारे कैमरास ऑन करके, क्या है ना, देखो सुनो, अब मैंने ना सपोज करो एक कमरे में ना आग लग गई, हम लोग कौन सी गैस इनहेल करते हैं, आप सबको पता है हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं ना, वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, ठीक है बच्चे, सो क्या होता है, मैं ऑक्सीजन गैस ले ही जा रही, लेती जा रही, ठीक है, मेरा मतलब मैं इनहेल करती हूँ। अब हमारे गॉड ने नेचर ने ऐसा बनाया है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही ले सकते हैं, अगर और कोई गैस, अगर हम ऑक्सीजन से ही सांस ले सकते हैं, अगर हमारे अंदर कोई और गैस चली जाएगी तो वी विल डाई, ये चीज तो सबको कंफर्म है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना एक बंद रूम था, वहां पे आग लगी, सपोज करो मेरे इस रूम में आग लग गई, ठीक है जी, आग लग गई इस रूम में, तो क्या हुआ,
यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी, मुझे तो सांस लेने के ऑक्सीजन की जरूरत है पर मुझको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि कमरे में कौन सी गैस बन चुकी है, कमरे में तो धुआं बन चुका है, वो कौन सी गैस बन चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन चुकी है। अब क्या होगा, जब मैं सांस लूंगी, मैं जब सांस ले रही हूँ, वेन एवर आई एम ब्रीदिंग और वेन एवर आई एम हीलिंग, ठीक है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, सो आई एम इन हीलिंग, इनहेल क्या कर रही हूँ, मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कर रही हूँ। अब मेरे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहाँ पे, अब मेरे अंदर कौन सी गैस जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो जा ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे मेरी बॉडी के अंदर धीरे 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 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जैसे मेरी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाती जाएगी, सप्लाई जाता जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन बिल्कुल बंद होगी। अब मेरे बॉडी, ये जैसे खून है, नर्व्स है, इसमें क्या चल रहे थे, ऑक्सीजन चल रहे थे, अब कौन सी गैस चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड चल रही, ऑक्सीजन तो चली चल ही नहीं रही, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई तो रुक गया। जब किसी भी चीज का सप्लाई रुक गया है, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया, दम घुटने लगता है हमारा, इतना तो पता है ना सबको, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड चल, फिर थोड़ी देर बाद जाके मेरी को सांस आना बंद हो जाएगा, मेरा दम घुटेगा, मैं चक्कर आके गिर जाऊंगी, अनकॉन्शियस हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्रेन पे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड ने असर शुरू कर दिया, नर्वस सिस्टम पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत हो, सो बेहोश होके, फेंट होके आई विल डाई, ठीक है, मर जाऊंगी। कहने का मतलब क्या था कि कहने का मतलब क्या था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक, उसने हमें डेथ दे दी, मार दिया, तो क्या है वो इंजीरियस टू हेल्थ है, पॉइजनस गैस है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस हो जाएगी, पॉइजन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज हमें मार दी है वो कौन सी गैस है, पॉइजनस गैस है। क्लियर हुआ, एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, कोई डाउट? हाँ जी ऋषिकांत बोलिए बच्चे। मैम, जो ये जो कम्बस्टन है मैम, वो केमिकल कंपाउंड के रिएक्शन से बन सकती है? भैया किसी से भी बन सकती है, अभी सपोज वो केमिकल ही होती है ना, जब किसी भी चीज में आग लग जाए, उसमें रिएक्शन होने लगी, आग लग जाती है ना, ऐसे पड़े पड़े तो कोई चीज में आग नहीं लगेगी ना। अब एक सुनिए, एक चीज और बताती हूँ मैं, ये एक रूम है, ठीक है, एक बात बताइए, जब इस रूम में क्या हो रहा है, रूम में बिल्कुल ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं था। चलो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जंगलों का लेते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, अभी पीछे फॉरेस्ट पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर भी आपने पढ़ा होगा, फॉरेस्ट फायर्स के बारे में पढ़ा था, उत्तराखंड में भी ना अभी जंगल जल गए थे, पेड़ जल गए थे, तो फॉरेस्ट फायर्स हुआ, और एमेजॉन की फायर फॉरेस्ट जले थे, ऑस्ट्रेलिया में भी जंगल जले थे, तो क्या हुआ था, अब जहां पे पेड़ ही पेड़ पेड़ ही पेड़ है, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, पेड़ है, सपोज करो ये पेड़ ही पेड़ है काफी सारे, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत सारा है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सॉरी पेड़ है, सपोज करो ये पेड़, यहाँ पे ऑक्सीजन इतना ज्यादा है नेचर के कारण, गर्मी इतनी बढ़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, तो क्या हुआ, ये जल गए, इनपे ना इनमें कंबशन हुआ और ये जलने लग गया, ऐसे जलते हुए जलते, पहले ही ऑक्सीजन इतना पड़ा है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आग को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आग को सपोर्ट करेगा तो जंगलों की आग बुझाना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन फैलाती रहेगी फैलाती रहेगी, आग फैलती रहेगी, फिर कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आएगी, क्योंकि नहीं हो पाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर तो उसको आग को कौन बुझा सकता है, जब रेन होती है, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल जो होता है, नेचुरल फिनोमेना, वो ही आग बुझा पाएगा, क्लियर हुआ, तो एक बंद रूम में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता,
तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और जब कोई ओपन रूम होता है वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई फुल रहता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे जो बंद रूम है वहां पे आग बुझ चुकी होगी, तब तक सपोज करो मेरा कमरा है, वहां पे आग बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे, क्योंकि ऑक्सीजन ने आना बंद कर दिया। जब ऑक्सीजन ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं हो जाएगा, स्मोग हो जाएगा, स्मोग हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं था, और बाहर किसका धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं। क्लियर हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं कहाँ पे होता है, कमरों, बंद कमरों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं कहाँ पे होता है, ओपन रूम में। एम आई क्लियर और नॉट? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।